Uh, मेरा देख पा रहे हैं स्क्रीन स्क्रीन यस मैम विजिबल है सो फ्रेंड्स गुड आप लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हैं डिफरेंट स्टेट्स से हैं तो आपका इस सेशन में बहुत uh, स्वागत है uh, मैं डॉक्टर uh, बेहरा डॉक्टर इंदु और डॉक्टर आलोक आपको आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू द सेशन एंड मैं ये बताना चाहती थी कि मेरे को इन सेशंस का इतना एक्साइटमेंट होता है कि uh, कल रात को कल रात तक मुझे 102 फीवर था वायरल फ़ीवर है और पर मेरा सुबह एक मन हुआ कि मैं बात नहीं कर पाऊँगी तो मैं नहीं लूँगी सेशन Uh, पर मैं मना एन को नहीं कर सकती और मैं दूसरी बात है मैं खुद भी ऐसे ये सेशंस टीचर्स के साथ क्योंकि खुद भी मैं टीचर रही हूँ तो बहुत मैं इनको एन्जॉय करती हूँ सो uh, so, आपका फ्रेंड्स आपका जो पिछले तीन दिन से ई डेवलपमेंट सेशन रहा है ई कंटेंट डेवलपमेंट उसमें uh, ये सेशन बहुत यूजफुल रहेगा बिकॉज uh, हम टेक्नोलॉजी तो हमारी इट हैज़ परमिएटेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अर लाइफ और हमें टेक्नोलॉजी में कैसे सेफ रहना चाहिए है वो मैं बताऊंगी Uh, मैं जनरल सेफ्टी के बारे में नहीं टच करूंगी ज्यादा क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है तो मैं आज सिर्फ इस पे टच करूंगी कि एज एजुकेटर्स आप अपने स्टूडेंट्स को और उनके डेटा को ऑनलाइन में कैसे सेफ रख सकते हैं और सेशन uh, के एंड में क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और uh, थोड़ा थोड़ा मुझे एक्सक्यूज करिए क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा पानी वानी लूंगी Uh, गला वगैरह काफ़ी ख़राब है तो यू विल हैव टू बेयर विद मी ओके सो साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द एजुकेशन सेक्टर एंड एज अ टीचर माई सेल्फ हु वॉज यूजिंग टेक्नोलॉजी विद द चिल्ड्रन मेरे को ये लगता है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत यूजफुल है और आप लोग देखो ई कॉन्टेंट डेवलपमेंट वगैरह सीख रहे हैं पर इस टेक्नोलॉजी को हमको रिस्पॉन्सिबली यूज करना है वो हम कैसे कर सकते हैं तो नाउ वी लिव इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इसका मतलब ये है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस द सिटी वी कम फ्रॉम द स्टेट वी कम फ्रॉम वेयर वी आर जैसे अब अब हम जुड़े हुए हैं इस सेशन के लिए सो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पहले क्या होता था कि पहले तो दूरियां इतनी ज़्यादा थी टेलीफोन के जरिए बात करते थे वो तो पहले टेलीफोन भी नहीं थे फिर टेलीफोन के जरिए बात करते थे लेकिन अब क्या होगा है अब कहते हैं कि वर्ल्ड हैज बिकम आ, 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 it, it world, क्योंकि कोई कहीं भी पहुंच सकता है हम अपने बच्चों से हमारे बच्चे कहीं पढ़ रहे होंगे उनसे बात कर ले कर, कर सकते हैं से ये दुनिया अब बहुत रीचेबल और बहुत छोटी हो गई है ओके okay, अः uh, पूरा वर्ल्ड हमारे फिंगर टिप्स पे है ये तो आप मानेंगे कि हम अपने माउस स्क्रॉलिंग फिंगर टिप्स से हम ताजमहल का थ्री डी एंजॉयमेंट भी ले सकते हैं न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास भी जा सकते हैं अपने बच्चों को रेन फॉरेस्ट के बारे में भी बता सकते हैं तो अभी हम हर जगह रीच कर सकते हैं जैसे पहले अगर आप बॉल कैनो बताना है तो उसको हम एनिमेशन के जरिए वो भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं सो so, पूरा वर्ल्ड हमारे फिंगर टिप्स पे है और आजकल एट द क्लिक ऑफ द माउस या फिंगर टिप्स से हम सुपरमार्केट जा सकते हैं आप लोग आप आप बहुत लोग अपने शॉपिंग घर बैठ के करते होंगे तो अभी सुपरमार्केट जाने की भी जरूरत नहीं है हम ट्रैवल भी कर सकते हैं जैसे मैंने बोला कि अगर हमें बच्चों को कुछ मॉन्यूमेंट्स uh, दिखाने हैं कुछ रेन uh, फॉरेस्ट uh, के बारे में बताना है या कुछ डेजर्ट के बारे में बताना है हमें उधर जाने की ऐसी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती ना जाके भी हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं बैंकिंग तो फाइनेंशियल uh, ट्रांजेक्शन तो आप लोग ऑनलाइन काफ़ी करते होंगे Uh, और सोशलाइजिंग अभी हमारे नए नए फ्रेंड्स बन गए हैं हम नए नए लोगों से जुड़ गए हैं और या फिर हम अपने दोस्तों से और अच्छी तरह जुड़ गए हैं तो सोशल मीडिया है उससे हम सोशलाइजिंग कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट uh, अब तो चाहे अब अब फोन पे और लैपटॉप पे चाहे हम मूवी देखना चाहें चाहे, चाहे पॉडकास्ट सुनना चाहें या कुछ भी करना चाहें हम अभी अपने फिंगर टिप्स पे का कर, यूज करके कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन सॉरी <coughs> uh, तो अभी हम जैसे एजुकेशन की बात करें वो मैंने हाईलाइट करा हुआ है क्योंकि वो आपको और मेरा फील्ड है तो एजुकेशन इंटरनेट हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन एजुकेशन ये तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा है uh, कि जब, जब, जब हुआ था, तो जो टीचर्स जिन्होंने कभी भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी थी ओवरनाइट उन्होंने सीखा कि कैसे हम टेक्नोलॉजी यूज करके अपने बच्चों तक पहुंच सकते हैं तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने दे कैप ऑफ डिजिटल एजुकेटर्स एंड बिकॉज वी एस टीचर्स फॉर अस आर स्टूडेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वी डिड नॉट वॉन्ट कि कोविड की वजह से हमारे बच्चों का टाइम या साल बर्बाद हो तो कितने नए नए टीचर्स हैं जिन्होंने कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं यूज करा स्कूल्स में कभी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग नहीं थी उन्होंने भी अपना टेक्नोलॉजी हैट पहना और वो वो डिजिटल डिजिटल डिजिटली लिटरेट एडुकेटर्स बने अब ये तो वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है ये आप खुद ही एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं टेक सपोर्टेड लर्निंग में सबसे पहले अवेलेबिलिटी अभी जैसे मैं आपको अवेलेबल होगी घर बैठ के आपको इतनी लर्निंग हो रही है दिन दिन की तीन दिन की वो भी आप अपने वर्क प्लेस में या घर बैठ के तो अवेलेबिलिटी हो गई है लर्निंग की hmm. अब अब क्या है आजकल ब्लेंडेड लर्निंग का जमाना है कि अगर बारिश हो गई है या कोई मौसम खराब है या कोई सिचुएशन है कि स्कूल खुल नहीं सकता तो अभी ऑनलाइन लर्निंग उस, उस दिन ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है ओके सो इससे एडवांटेज यह है कि कभी भी कहीं भी एडुकेशन इज अवेलेबल यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ डिवाइस, अफोर्डेबिलिटी ये इतना महंगा नहीं है डेटा इंडिया इंडिया में डेटा डेटा दे, दे, का प्राइस डेटा की कीमत सबसे सस्ती है अगर आप बाहर कंट्रीज में जाएंगे तो आपको डेटा का बहुत ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा ठीक है इंटरनेट कनेक्शन का तो अफोर्डेबिलिटी है फ्लेक्सीबिलिटी है आप ऑनलाइन uh, लर्निंग uh, है, है आप अपने पोस्ट कर सकते हैं आप अपना ई e कॉन्टेंट जो आप बना रहे हैं वो पोस्ट कर सकते हैं और क्या है लर्नर्स अपने ओन दे कैन लर्न इट एट देयर ओन पेस एंड टाइम वो उसको एक्सेस कर सकते हैं और रिसोर्सेज तो बतेरे हैं पहले क्या होता था कि जो रिसोर्सेज थे वो मोस्टली लाइब्रेरी तक सीमित थे कि लाइब्रेरी में जितनी प्रिंट बुक्स हैं वो स्टूडेंट्स ले लेते थे अब ऑनलाइन तो रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज है तो अभी हम आउटसाइड ऑफ आवर लाइब्रेरी एंड यू नो वी कैन एक्सेस रिसोर्सेज और रिसोर्स तो जनरली टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी uh, का यूसेज रिमोट लर्निंग के लिए होता है और हम बहुत सारे पैकेजेस यूज करते हैं और हम खुद भी बहुत सारा ई कंटेंट डेवलप करते हैं तो अब मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो कि आ, आपके हिसाब से आप मैं एक मिनट रुक रही हूँ गुरप्रीत सिंह जी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जी आप अपना या तो फिर आ, वीडियो म्यूट कर वीडियो ऑफ कर दीजिए या फिर वो पीछे की गपशप थोड़ी सी बाकियों के साथ कम कीजिए वो मेरे को ना आपका वीडियो पीछे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है गुरप्रीत जी हाँ जी थैंक यू वेरी मच आई अप्रिशिएट दैट सो अभी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन uh, है अब आप सोचिए कि आप एक दिन में आप एक दिन में आप कितने घंटे स्पेंड करती होंगी इंटरनेट पे चाहे वो फोन है चाहे वो लैपटॉप है या जो भी है तो एज एज एन एडुकेटर आप कितने घंटे स्पेंड करती होंगी जरा ये बॉक्स में लिखेंगे आप लोग मैं आपसे आइडिया देना चाहती हूँ दो से तीन घंटे ए बी सी डी लिख दीजिए अगर आप दो से तीन घंटे स्पेंड करती हैं तो ए लिख दीजिए चार से पांच घंटे स्पेंड करती हैं तो बी लिख दीजिए सी सी डी लिख दीजिए सो so, ये चैट बॉक्स में लिख दीजिए आई एम ट्राइंग टू एक्सेस हाँ बी सी बी ठीक है थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सेज सो मुझे ए और बी में से काफी रिस्पॉन्स आ रहे हैं कुछ सी भी आ रहे हैं बट मोस्टली ए और बी से हमें रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं हाँ जी यू नो एक्चुअली इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर ऑन एन एवरेज एन एडल्ट इन इंडिया स्पेंड्स अबाउट फोर टू सिक्स आवर्स ऑन द इंटरनेट वेदर इट इज ऑन द डिवाइस ऑन ऑन द फोन और ऑन द लैपटॉप अब आप देखिए कि सिक्स छ घंटे हम जिस डिवाइस पे स्पेंड करते हैं तो हम उसपे कितना कुछ करते होंगे कितना हम उससे सीखते होंगे कितना हम अपना डेटा शेयर करते होंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सोचते नहीं है सो ऑन एन एवरेज एन एडल्ट स्पेंड्स बिटवीन फोर टू सिक्स आवर्स ऑन एन ऑन द इंटरनेट एक और क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक दैट द यंग पीपल मैं ये जनरली ठीक uh, uh, है आप uh, अपने बारे में ही बता दीजिए कि कितने टू पीपल चेक फोन आप सब यंग पीपल हैं तो हाउ मेनी टाइम्स डू यंग पीपल चेक द्स इन ट्वेंटी फोर आवर्स इसमें ए बी या सी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं ए ए इज़ वन ट्वेंटी वन ओके So, uh, जो सर्वे रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं कि पीपल बिटवीन द एज ऑफ सिक्सटीन टू सिक्सटी नॉर्मली स्पेंड बिटवीन वन ट्वेंटी नॉर्मली पिकअप अप अराउंड वन ट्वेंटी सिक्स टू वन थर्टी टाइम्स और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका तो वन फिफ्टी से भी एक्सीड होता है तो फोन हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा हो गया है और आप देखिए कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हैज मेड अ लाइफ इजी एंड इंटरेस्टिंग है इजी हो गई है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि द वर्ल्ड इज ऑन ऑफ ऑन ऑफ फिंगर टिप्स कहते हैं ना पहले कहते थे दुनिया हमारी मुट्ठी में है और अब वो चेंज होके आ गया है कि दुनिया तो हमारे फिंगर टिप्स में है या थम के नीचे है है ना क्योंकि हम सब कुछ उसको uh, अपनी फिंगर टिप्स को यूज करके कर सकते हैं सो so, ठीक है हमारी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग बन गई है हमारी लाइफ बहुत इजी बन गई है बट ये हमारी लाइफ में हमने बहुत सारे रिस्क भी ले लिए इंटरनेट बहुत सारे रिस्क भी लेकर आते हैं जैसे प्रिवेसी, हमारी प्रिवेसी खत्म हो गई है है ना? और हमारा डेटा डेटा अवेलेबल हो गया है लोगों को इतने स्कैम्स होते हैं हम हमारे फाइनेंशियल क्या स्कैम्स कितना अब दिन रात सुनते रहते हैं और वेल वेल वेलबींग वेलबींग हो गया है क्योंकि एक तो एडिक्शन वाली बात होती है और दूसरे बहुत बड़ी बात होती है कि कोई ट्रोलिंग कर रहा है बुलिंग कर रहा है कुछ कर रहा है किसी का पैसा चला गया है तो वो स्ट्रेस बहुत होता है रेपूटेशन क्योंकि कोई हमें हमारे बारे में गलत लिख सकता है कोई ट्रोल कर सकता है कोई डिफेम कर सकता है कोई डॉक्स कर सकता है और हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ uh, पे भी बहुत असर हो गया है और ये इस इन सब की वजह से ये बात तो आप शायद मानेंगे कि हमारी जो रिलेशनशिप्स है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है क्या होता है कि हम लोग किसी ग्रुप में जाते हैं तो हमारे पास मोबाइल रहता है और हम जी लगे होते हैं सारे वो बस मोबाइल में डाइनिंग टेबल पे देखो तो सब मोबाइल पे लगे होते हैं हम भूल गए हैं कि हम हमको अपने साथ वाले से भी बात करनी चाहिए इन अ फैमिली बच्चे अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं हैं और हम भूल जाते हैं कि हम हमारे साथ वाला इंसान भी बहुत इम्पोर्टेंट है हम जो कितने हजार किलोमीटर दूर है उसको उसको देखा है कभी नहीं देखा है उनसे कैसा रिलेशन मतलब वो हमारे कितने नजदीक हैं या क्या है वो सब ना करके हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और नेचुरली रिलेशनशिप तो स्पॉइल होंगी अभी एक केस है जहां पर ये छोटी सी कहानी है कि uh, एक फैमिली ने देखा कि सब अलग अलग भाई खाने के टेबल पर भी uh, <coughs> सब अपने-अपने फोन पे बिजी हैं। तो मदर ने बोला कि मैं और टैब टेबल पे नहीं लेकर आओगे लेकिन जब द हेड ऑफ द फैमिली द फादर ही केम ऑन द टेबल तो उसने अपने दोनों फोन रख दिए तो बच्चों ने बोला कि पापा आप क्यों अपने फोन नहीं रख रहे बिकॉज मम्मा ने अगर रूल बनाया नो 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 मेरे को मेरी बॉस ने कॉल करना है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है मेरे को मैं अपनी बॉस की कॉल नहीं ले सकता तो बच्चों को लगता है जितना एक उसके, उसके पादर के फादर लिए बॉस इंपॉर्टेंट था वो बच्चों के लिए अपने दोस्त भी इंपॉर्टेंट तो उस उसने फादर ने अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट करा सो so, मैं ये कहती हूँ कि एज पेरेंट्स पहले आप एग्जाम्पल सेट कर दीजिए और आज के बाद ये कुछ कुछ टेक टेकअवेज लेके जाइए मेरे सेशन से और आज के बाद डाइनिंग टेबल पे कोई फोन ना यूज कीजिए और शाम को एक घंटा रखिए जिसमें कोई फोन नहीं यूज करेगा कोई टीवी नहीं ऑन होगा कुछ भी कर लो डांस कर लो बैठ लो मुंह पुल लो कुछ भी कर लो लेकिन टीवी नहीं ऑन होगा और कोई फोन स्टार्ट विथ फिफ्टीन मिनट्स गो टू हाफ एन आवर और देखिए कि शुरू शुरू में तो जब आप करेंगे तो ये बहुत फीडबैक आती है मेरी जब मैं लोगों से कहती हूँ तो बच्चे इधर बैठ के मुंह फुला के बैठ जाते हैं कोई सोचते हैं हम क्या करें और शुरू शुरू में तो क्योंकि रिलेशनशिप इतने हो बात बात करने की आदत नहीं है। क्या बात करें हैं? लेकिन धीरे धीरे वो खुलना शुरू हो जाते हैं तो कहते हैं ना हैप्पी फैमिली हेल्दी फैमिली इज अ फैमिली विच हैज डिनर टुगेदर विदाउट द मोबाइल तो ये थोड़ा सा स्टार्ट कर लीजिए अब सेफ्टी की तरफ आते हैं सेफ्टी के एस्पेक्ट को लेके आते हैं सो so, अब आप इंटरनेट ने तो हमें बहुत कुछ दिया है पर एक थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट करिए अपने अंदर और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सक्सीड हो हम स्टूडेंट्स को उनकी बेस्ट उनको सब कुछ देना चाहते हैं जो वो डिजिटली एनेबल्ड वर्ल्ड में सक्सेसफुलस्ट सेंचुरी के पर एक चीज रिफ्लेक्ट कीजिए क्या हम एज एडुकेटर्स एज तैयार है टू चैलेंजेस एंड ऑल्सो बी में स्टूडेंट्स इन टेक्नोलॉजी आ गई और टेक्नोलॉजी के समुद्र में हम आ, आ, हमने आ, जंप कर लिया तो कभी गोता खाते हैं कभी अंदर चले जाते हैं पानी के कभी बाहर रह जाते हैं कभी अंदर चले जाते हैं बस यही वाला हाल हो रहा है हाथ पांव भी हाथ पांव मार रहे हैं तो अभी बताइए कि uh, मेरे को ये और नो लिख के बताइए डू यू थिंक यू आर टोटली रेडी टू फेसेंजेसो प्रिपेयर योर स्टूडेंट्स फॉर दिस न्यू डिजिटल वर्ल्ड तो इसमें खाली टेक्नोलॉजी सैवी की बात नहीं होती है टेक्नोलॉजी सैवी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी लेकिन जनरली एज मेंटर्स, सो so, बड़ा कुछ लोग येस कह रहे हैं काफी लोग नो कह रहे हैं बहुत अच्छा है कुछ लोग यस कह रहे हैं इसका मतलब वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करके यूज करते हैं और और कुछ लोग जो थोड़ा सा इस बारे में सोच रहे हैं वो नो कह रहे हैं दोनों आंसर ठीक है ये बहुत पर्सनल आंसर है है ना मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा बताऊं मैं पहले बहुत साल में इंग्लिश टीचर थी और उसके बाद मैंने कंप्यूटर्स में आई और मैंने uh, सीखा और मैं इंटेल प्रोग्राम लीड करती थी जैसे आलोक सर कहते हैं इंटेल टीच टू द फ्यूचर और मुझे भी ये सीखने में बहुत साल लगे और अब मैं साइबर सेफ्टी में किस पिछले बहुत सालों से हूं लेकिन अगर मैं पंद्रह दिन अपने आप को अपग्रेड नहीं करती तो मैं पीछे रह जाती क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आती जाती हैं और आपको यू हैव टू बी ऑन द टॉप तो हम कभी भी टेक्नोलॉजी चाहे हमने इन्वेंट करी है ह्यूमन बींग्स ने करी है लेकिन हम एज बेसिक यूजर्स ऑन द ग्राउंड हमको हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है हमको बस सीखते रहना है और जब हम कहेंगे कि चाहे हमें कितनी भी टेक्नोलॉजी आती हो लेकिन हमको रोल मॉडल बनना है हमको दिखाना है अपने बच्चों को कि वो रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूजर्स कैसे बने बच्चे तो टेक्स एवी होते ही हैं क्योंकि दे आर डिजिटल नेटिव हम लोग डिजिटल माइग्रेंट्स हैं हम तो स्लो लर्नर भी हैं है ना थोड़ा सा उनके लेकिन हम कभी कभी ये सोचते हैं कि बच्चे तो टेक्स हैवी हैं तो उनको सब कुछ आता है हाँ बच्चों को टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती है लेकिन डू दिस चिल्ड्रन हैव दिंक कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग डू दे कैन दे रैशनलाइज कैन दे क्रिटिकली एनालाइज द गुड फ्रॉम द बैड उसके लिए हमको एज पेरेंट्स एंड एडुकेटर्स उनको कंटिन्यूसली मेंटर करना है और उनको मेंटर करने के लिए हमें कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना है अब आप थोड़ा सा सोचिए अपने दिमाग में वर्ड्स टू योर माइंड व्हेन यू मेंशन रिस्क ऑन द इंटरनेट हम लोग दिन रात सुनते रहते हैं हमको एडवाइजरीज आती रहती है हर तरफ से कि इंटरनेट बहुत रिस्की है अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम इंटरनेट बंद कर दें या हम अपने बच्चों को इंटरनेट ना दें तो ये तो हम अगर हम आज टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते ये डर से कि भाई टेक्नोलॉजी में तो बहुत रिस्क है तो हम बच्चों को उनकी ग्रोथ के चांसेस भी उनसे छीन रहे अब ये तो नहीं है कि हम बच्चों को घर के बाहर नहीं जाने देंगे कि बाहर जाएगा हमारा बच्चा रोड क्रॉस करेगा गाड़ी कहीं गाड़ी ना लग जाए या पार्क ना भेजूंगी हम सब जगह भेजते हैं ना अब जैसे हम बच्चा जैसे हमारा बड़ा होता है हम बच्चे को बताते हैं कि पार्क जा रहे हो अंधेरी जगह में मत मत जाना स्ट्रेंजर से मत बात करना किसी से टॉपी मत लेना तो ऐसे ही हमको अपने बच्चों को मेंटर करना है अब रिस्क तो बहुत है इंटरनेट पे अब रिस्क तो अपनी बिना इंटरनेट की जिंदगी में में भी बहुत है कम है क्या लेकिन हम हम क्या है कि क्योंकि हम उस जिंदगी के में बड़े हुए हैं जहां पर इंटरनेट नहीं था तो वो रिस्क तो हम अच्छी तरह से समझते हैं और उनके बारे में हम उनको फेस भी कर लेते हैं लेकिन इंटरनेट के रिस्क हम काफी बार बच्चों को छोड़ देते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी सेवी हैं तो वो अपना खुद ही मैनेज कर लेंगे तो ये ये जो खुद ही मैनेज करने वाला जो जहां पर बात आती है वहां पे गड़बड़ हो जाती है ठीक है तो अभी कुछ रिस्क की बात करेंगे डेंजर्स ऑन द इंटरनेट आप बस देखते जाइए और ये सारे रिस्क नहीं है ये जो मैं डाल सकती थी एक स्क्रीन पे मैंने डाल दिए सो so, अभी आप देखेंगे रेपुटेशन प्रिवेसी डेटा बीस साइबर बोलिंग ट्रोलिंग हेरसमेंट फिशिंग स्मिशिंग वेलिंग फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस फेक न्यूज Uh, जैसे आपको मैडम पहले बता रही थी कि इन इंफॉर्मेशन फेक न्यूज जब हम बच्चों को बताते हैं तो हमें सब उनको बताना पड़ता है फेक न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई uh, किया जाए तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे रिस्क uh, है और ये 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 जो वर्ड्स है ये मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ नए वर्ड्स हैं क्योंकि ये तो आप दिन रात क्वेश्चन आप, आपके पास एडवाइजरी आती रहती है आज के सेशन में हम बताएंगे डिस्पाइट दिज रिस्क ऑन द

और एक है सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन डेटा ब्रिज होता है जब स्टूडेंट डेटा कोई चुरा लेता है और सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन है कि जब कोई आपके सिस्टम में आके तो वो फाइल्स रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर देता है मार्क्स ऑल्टर कर देता है कुछ ऐसे हो जाए अब देखिए अब एक छोटी सी बात है कि हमारे स्कूल्स के अराउंड द स्कूल्स बड़ी सी बाउंड्री वॉल होती है एक बड़ा गेट होता है हम किसी स्ट्रेंजर को उधर आने नहीं देते हैं सिक्योरिटी गार्ड होगा वो कोई आएगा वो फोन करेगा ऑफिस उसकी वेरिफिकेशन होती है और उसको पास मिलता है वो तभी आ सकता है तो सिमिलरली अभी जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो हमारे आसपास एक फायर वॉल होनी चाहिए हमारे स्कूल के सिस्टम के आसपास एक फायर वॉल होनी चाहिए अब बैंक के सिस्टम क्यों नहीं इंफिल्ट्रेट होते बिकॉज बैंक के आसपास एक वर्चुअल वॉल है उसे कहते हैं फायर तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडली डेटा ब्रीच होने से हमें बचाना चाहिए सिस्टम इनफिल्ट्रेशन से बचाना चाहिए हमको किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए देखिए सिक्योरिटी गार्ड होता है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड यूजर नेम और पासवर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ओके okay? सो so, ये हाँ ये चीजें हम कैसे कर सकते हैं इन सिंपल वेज वो मैं डिस्कस कर अब आप बोलेंगे कि स्टूडेंट डेटा ही तो है थोड़े मार्क्स ही तो है तो क्या फर्क पड़ता है uh, नहीं सर नहीं मैडम स्टूडेंट डेटा इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और अगर वो इंफॉर्मेशन मिस यूज हो जाए अगर वो इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथ में लग जाए तो वो स्टूडेंट सेफ्टी और स्टूडेंट के फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन एज में सबसे बड़ी वेल्थ क्या है सबसे बड़ी वेल्थ है डेटा दे वॉज अ टाइम वो करेंसी हमारी डेटा है इससे पहले ऑयल था इससे पहले गोल्ड था आजकल की जो करेंसी है वो है डेटा डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर कोई हमसे डेटा छीनने में लगा हुआ है फोन आता है सर अपना वो आधार कार्ड बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और ये हम बैंक से बोल रहे हैं वो आपका डेटा है क्योंकि डेट अगर वो आप आपका डेटा इतना इंपॉर्टेंट है अगर वो आपका आधार कार्ड और ये सब ले लेंगे तो वो वो इंफॉर्मेशन यूज करके वो बैंक वाला तो नहीं है वो तो कोई हैकर है वो आपके बैंक में से कुछ भी स्कैम कर सकता है तो स्टूडेंट डेटा इज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द डेटा एक छोटी सी बात बताऊंगी कि पहले क्या होता था कि हमारा जो अभी भी होता है वो लॉक होते हैं ऑफिस है, है, लॉक होता है गार्ड बिठाया जाता है रात के टाइम तो हम उसकी सेफ्टी करते हैं उसी तरह से हमें ऑनलाइन डेटा की भी सेफ्टी करनी चाहिए तो स्टूडेंट डेटा है क्या स्टूडेंट डेटा है स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर उसके फादर का आधार कार्ड नंबर एंड अदर डिटेल्स तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ये सु कहते हैं पी आई आई स्टूडेंट एंड आइडेंटिफाइबल पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन ये पर्सनल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि uh, मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरा आधार कार्ड वोटर आई डी है? Uh, और अदर डिटेल्स। uh, uh, दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स में होते हैं, और वैसे भी किसी कोई स्टूडेंट को जरूरत है की, तो उसका डेटा तो होता ही होता है अदर इज डेमोग्राफिक डिटेल्स स्टूडेंट की फैमिली का डिटेल्स वो सारा डेटा है तो so, स्टूडेंट की फैमिली के बारे में फादर कहाँ काम करते हैं कितनी इनकम है कितने भाई बहन है क्या एड्रेस है एकेडेमिक तो, इन्फॉर्मेशन तो होती ही बच्चे की बच्चा टेस्टिंग परफॉर्मेंस भी होता है कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है तो और बिहेवियरल डिटेल्स होती है, को, कोई, कोई बच्चों का होता है तो उनकी डिटेल्स भी होती है है ना स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं और फोटोग्राफ्स होते हैं सो अब so, आप ये देखिए कि अगर ये कोई डेटा गलत इंसान के हाथ लग गया तो वो उसका क्या नतीजा हो सकता है सो ऑनलाइन प्रिडेटर्स हैकर्स स्कैमर्स तो बहुत भरे बैठे हैं है ना और ये तो जरूरी नहीं है ये लोग बहुत एजुकेटेड हो आपने जामतारा का नाम तो सुना है झारखंड में विच इज दैपिटल फॉर स्कैम विच इज दी गढ़ है स्कैमर्स का और वो जो जामतारा और खाली जामतारा नहीं, नहीं हो रहा जैसे हरियाणा के कुछ जगह पर है जनरली जहां पर आप देखोगे जिस स्टेट में वो बॉर्डर एरिया होते हैं वहां पर ये बहुत सारे होते हैं क्योंकि वो बॉर्डर एरिया से डिफरेंट स्टेट्स में जा सकते हैं और स्टेट टू स्टेट उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे कोई स्टेट नहीं बची इंडिया में जहां पर ये है लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ था मोस्टली जाम तारा से ये जाम तारा एक छोटा सा कस्बा था वहां पर किसी ने ये शुरू करा और उन लड़कों को लगा कि अरे ये तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू अर्न मनी स्कैमिंग वो किसी के बैंक डिटेल्स लेके और उनके बैंक से पैसे वैसे निकालना और इसकी एक पिक्चर भी है आप बाद में एक जामतारा की मूवी जरूर देखिए ये शॉर्ट फिल्म है एजुकेटिव फिल्म है नेटफ्लिक्स पे होगी यूट्यूब में भी होगी और ये कोई पंद्रह से पंद्रह सोलह साल से लेके ये कोई मतलब यंग बॉयज ही हैं और ये लड़के पढ़े लिखे नहीं हैं ज्यादा पर ये एक्सेंट अपना चेंज कर देते हैं और ये तो यूएस तक भी पहुंच गए हैं यूरोपियन नेशंस तक पहुंच गए जहां पर ये लोग स्कैमिंग कर रहे हैं तो प्रीडेटर्स और ये खाली जामतारा नहीं है, जैसे मैंने बताया हर स्टेट में इस टाइप के जामतारा है तो ऑनलाइन प्रीडेटर्स जो है वो हमारी प्रिवेसी और पर्सनल सेफ्टी को इम्पेक्ट uh, करते हैं है? जब हमारी uh, आजकल क्या है आजकल हम आइडेंटिफाई करे जाते हैं अपने फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड से आईडी नंबर से ये करे जाते हैं ना ऐसे और अगर हमारी ये सारी डिटेल्स किसके पास चली जाए तो वो बैंक में जाके हमारी बैंक डिटेल्स लेके वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो हमारे नाम का कुछ भी हमारे डिजी लॉकर तक जा सकते हैं है? अगर हम ये सारी डिटेल्स देते दे, तो सिमिलरली बच्चों की ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है दूसरा क्या होता है कि बच्चों को Uh, जैसे किसी ने मजे के लिए लिया और कोई बच्चे की डिटेल्स ली तो बुलिंग ट्रोलिंग बहुत होती है किसी बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहा या किसी की फोटो एक्सेस कर ली और फोटो के पीछे ब्लैकमेलिंग हो रही है स्कूल का डेटा ले लिया तो रैंसम होता है रैनसम आपको मालूम है कि जब कोई आप आ, आ, कुछ आ, जैसे किडनेप के टाइम रैनसम लेते हैं तो ये जो हैकर्स होते हैं ये स्कूल का डेटा डेटा ब्रीच करके सिस्टम इनपिल्ट्रेट करके ये रैंसम मांगते हैं और ये रैंसम कोई छोटा नहीं होता बहुत बड़ा होता है और ये जनरली स्कूल्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं नेचुरली पर इसमें लाखों लाखों का रैंसम मांगा जाता है और स्कूल्स पे करते हैं कितने स्कूल्स क्योंकि अगर वो पे नहीं करेंगे तो उनका सारा सिस्टम ठप हो जाएगा तो ये सब चीजें होती हैं बच्चों को किसी अपने बच्चों की आजकल तो क्या है कि स्कूल्स को बड़ा शौक है फोटो डालने का बच्चों की एक्टिविटी हुई और बच्चे क्या क्लोजअप लेके डाल दिया और साथ में टैग भी कर दिया नाम भी डाल दिया स्कूल का नाम भी है सब सारे डिटेल्स है तो वो क्या करते हैं कि वो बच्चों के साथ गलत तरीके से इन अप्रोप्रिएट बिहेव में उनके साथ पेश आते हैं और सॉलिसिटिंग है जब मार्केटिंग होती है आप जैसे किसी ने डेटा ले लिया और वो मार्केटिंग कंपनी को भेज दिया अब वो मार्केटिंग कंपनी ने वो डेटा एनालाइज करा और उसमें देखा अच्छा इतने तो ये क्लास एट नाइन्थ या ते, टेंथ के बच्चे वीक हैं तो अगर वो इस टाइप की एजुकेशन टाइप की कंपनी है तो उनको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं कि चलो हम आ, 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 एक्स्ट्रा ट्यूशन्स एक्स्ट्रा कोचिंग एक्स्ट्रा ये तो इस या, या किसी बच्चे का Uh, <coughs> किसी किसी फैमिली का फाइनेंशियल इशू है तो ये लोन ले लो ये कर लो तो ऐसे वो बहुत बच्चों को लाइक द स्टूडेंट्स डेटा कैन बी एंड ये इससे ना तो सिर्फ बच्चा इम्पैक्ट होता है पर बच्चे की एंटायर फैमिली इम्पैक्ट होती है ना? और जैसे मैं आपको बताऊं कि uh, मैं स्कूल्स के, हमें जो मालूम है कुछ स्कूल्स का रिसेंटली ट्रांसमेयर हुआ था और अभी जैसे कोविड के बाद Uh, जब बच्चे स्कूल गए तो बच्चे तो एक्साइटेड थे पेरेंट्स ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब हम अपनी जिंदगी जिएंगे है ना बच्चा स्कूल जा रहा है तो किसी पेरेंट ने पूना का पूना की बात है वो स्कूल के गेट की फोटो लेके जहाँ पर स्कूल का नाम था वहां पर लिखा है वेरी थैंकफुल दैट माई सन सो एंड सो नाम लेके आदित्य सो एंड सो इज गोइंग टू स्कूल टूडे वेरी हैप्पी दैट द कोविड हैज पास्ट उसका बच्चा उसी दोपहर को किडनैप हो गया क्योंकि उस उसने जो हैकर्स थे वो इस फादर के फेसबुक अकाउंट में गए उन्होंने देखा ये तो आ, 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 काफी माल वाला इंसान है उन्होंने उसकी फाइनेंशियल वो जज करी है स्कूल इतने बजे बंद होता है और ये उससे पहले इससे पहले बच्चा बस में बोर्ड करे कोई चला गया कि भाई आई द चाइल्ड विद एक्सीडेंट और बच्चे का किडनेपिंग तो ये कुछ रियल केसेस हैं बहुत हैं ऐसे ये कोई मनगणत नहीं है तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें बच्चों का हमें स्टूडेंट्स का डेटा सेफ रखना चाहिए जैसे हम एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिजिकल एनवायरमेंट में हमें बच्चों को सेफ रखना है और बच्चों का डेटा सेफ रखना है वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होती है जब हम ऑनलाइन बच्चों की डिटेल स्टोर कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं So, क्या इम्पैक्ट द रेपैक्टेशन ऑफ द स्कूल इट इम्पैक्टेशन ऑफ दुटेशन चाइल्ड के लिए कुछ गलत शलत बोला गया है तो इंटरनेट में कहते हैं ना कि आप अगर आज कुछ पोस्ट करेंगे वो घूम घुम 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 घूम घुम घूम घुम के आपके पास वापस आएगा जेट hmm. से कि मैंने किसी के बारे में कुछ गलत पोस्ट करा है या किसी ने मेरे बारे में गलत पोस्ट करा है तो वो चाहे वो जिस से मेरी किसी से झगड़ा हो गया और किसी ने मेरे बारे में गलत पोस्ट करा है और उस पर्सन को रियलाइज हुआ और फिर उसने बाद में उसको अपनी टाइमलाइन से निकाल भी दिया लेकिन तब तक बहुत लोगों ने उसको फॉरवर्ड 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 करके वो वायरल हो गया और या फिर उसके स्क्रीनशॉट हो गए अब ये मेरा साथ से स्कूल में हुआ बट जैसे आप बड़े हो गए तो कहीं किसी के हाथ में आ गया तो कोई एक्स स्टूडेंट ने देखा अरे इसके बारे में तो ये पोस्ट हुआ था चलो मजे लेते हैं उसने वो चीज वापस फिर से फेसबुक में रिवाइव कर दी इसलिए एक बार जो इंटरनेट पे जाता है कुछ भी पोस्ट करते हैं वो कभी लॉस नहीं होता वो घूम 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 के कभी भी वापस आ सकता है और तंग हो और वो तंग कर सकता है ओके इससे मेंटल वेलबींग अब आप ये देखो अगर कोई स्टूडेंट uh, ब्लैकमेल uh, हो रहा है बुली हो रहा है कितनी मेंटल वेलबींग well कितनी इम्पैक्ट होगी नॉट इवन द स्टूडेंट स्कूल की अगर स्कूल के एक बच्चे का डाटा लीक होगा या बच्चों के केडेंसोवेयर हो गए तो स्कूल को कितनी प्रॉब्लम होगी लाइफ एंड सेफ्टी कई बार तो फिजिकल सेफ्टी का भी इशू आ जाता है कि भाई वो उसको कहीं uh, मतलब बच्चे को जैसे किडनैप कर लिया और फिर उसको उसके बाद ऑब्वियसली उसकी लाइफ को खतरा हो गया सॉरी फिर फिजिकल हेल्थ कंसर्न्स हैं और वो और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स ये बहुत होते हैं एक चीज और होती है कि जैसे किसी का मेरे बच्चे का डेटा स्टील हो गया है तो मेरे बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट स्टील हो गया या कुछ ईमेल आईडी या कुछ तो उसको जो और वाली बात में पीछे कर रही थी तो कुछ अशील भी भी हो जाते हैं विच आर टोटली एज इन और ये जो इस क्योंकि उसका डेटा स्ट्रेंजर्स ने लिया है वो आगे वो बेच देते हैं तो आपका बच्चा स्ट्रेंजर्स के हाथ में आ सकता है उसकी ब्लैकमेलिंग हो सकती है अब इसमें हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे मैंने बोला जैसे फिजिकल स्कूल में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं हम गार्ड रखते हैं बाउंड्री वॉल रखते हैं वो रखते हैं कैमरा रखते हैं सब कुछ होता है ऑनलाइन भी हम वही कर सकते हैं हमारे पास ओनली थिंग हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए तो सिक्योर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स तो so, जैसे हम अपने स्कूल में अपने क्लासरूम में को सिक्योर रख सकते हैं उस तरीके से जब रिमोट लर्निंग हो रही हो ऑनलाइन लर्निंग हो रही हो तो हमारे एप्लीकेशंस भी हमारे प्लेटफॉर्म्स भी सिक्योर रहने चाहिए और जैसे एप्स अब आप ये कंटेंट डेवलप कर रहे हैं एप्स वगैरह डाउनलोड करेंगे कौन से एप्स यूज करेंगे एप्स कितने ऑथेंटिक है एप्स में कितना डेटा आप दे रहे हैं वो कुछ ऐप ऐसे होते हैं फ्री होते हैं और वो आप वो बने ही होते हैं कि आपका डेटा एक्सेस करने के लिए उसके बाद आपका डेटा लेके वो ऐप खत्म बंद हो जाता है वो ऐप कितने क्रेडिबल है लर्निंग एप्स तो ये सब आपको देखना है क्योंकि आपके बच्चे उसी ऐप में अपना पूरा डेटा डालें देन सिक्योर लॉग इन क्रीडेंशियल लॉग इन का मतलब है यूजर नेम और पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड हमें जागरूक करना है अपने टीचर्स को अपने बच्चों को कि किसी के साथ शेयर ना करें नहीं तो वो जूम बॉम्बिंग का आपने सुना होगा शुरू शुरू में कोविड के टाइम जब सब, सब लोग जूम में जाते थे तो किसी ने यूजर नेम पासवर्ड का ध्यान नहीं करा कि वो इतनी इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं पता चली ना तो गलत लोग जूम क्लास में आके अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए और उसको मतलब क्लास को हाईजैक कर दिया तो इसे कहते हैं जूम बॉम्बे तो लॉग इन क्रीडेंशियल बहुत जरूरी है कि सिक्योर होने चाहिए और सिक्योर क्लाउड एंड डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स अभी हम क्या है कि हम अभी मैं करेक्शन कर रही हूँ मैं मैथ टीचर हूँ मैं घर, मैं घर पे बैठ के करेक्शन कर रही हूँ तो मैंने ऑनलाइन मार्कशीट अपनी क्लास टीचर को भेज दी कि भाई आप कंपाइल करो रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल हाँ तो अब अगर मैं उसको उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी आ, इस और इसको डेटा शेयरिंग के टाइम आई विल नॉट बी केयरफुल कि मैंने आ, सेफ प्लेटफॉर्म यूज करा है एंड टू एंड प्लेटफॉर्म यूज करा है तो वो बीच में कोई भी लेके उसको चेंज कर सकता है और जैसे मैंने बोला बच्चे ही कर लेते हैं बच्चे ही अपने मार्क्स चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो तो इतने टैक्स है दे नो हाउ टू इनफिल्ट्रेट द सिस्टम अ लॉट ऑफ सीनियर चिल्ड्रेन कैन डू दैट तो इसलिए जब हम किसी के किसी के साथ कोई जैसे आ, 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 मैं मार्कशीट शेयर कर रही हूँ अपनी मैथ की तो मुझे वो फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहिए कि अगर वो रास्ता अगर वो ट्रांसफर होते टाइम अगर किसी ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया तो वो फाइल वो खोल नहीं पाएगा क्योंकि उसका पासवर्ड उसे पता नहीं होगा और मुझे वो पासवर्ड पहले से वो टीचर को अलग से बताना है साथ में नहीं भेजना फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि अगर मेरा सिस्टम अगर किसी ने मेरे सिस्टम में पासवर्ड है और वो पासवर्ड किसी ने एक्सेस कर लिया लेकिन एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी होता है या किसी और डिवाइस से ऑथेंटिकेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें वो करना चाहिए जैसे हम घर में आजकल क्या करते हैं लकड़ी का दरवाजा रहेगा उसके बाद हम जाली का भी ग्रिल का भी वो ग्रिल में भी लॉक करते हैं मेन डोर करते हैं कि नहीं करते तो जहां पर हम दो जगह लॉक करते हैं वो टू फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो जो सेफ्टी सिक्योरिटी आप अपनी रियल लाइफ में करते हैं उसी टाइप की सेफ्टी सिक्योरिटी अगर आप ऑनलाइन में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सो लिमिटिंग एक्सेस एंड कंट्रोल मैनेजिंग यूजर ऑफ ये थोड़े से लंबा सा वो है इसका सिंपल ये है कि लेट्स कि स्टूडेंट का डेटा है और स्टूडेंट की पर्सनल डेमोग्राफिक फाइल है जिसमें उसके पेरेंट्स का डेटा है ये है

और जिस फोल्डर में वो होगा उसका एक्सेस उस क्लास टीचर के अलावा किसको नहीं होगा मी एज टीचर भी नहीं होगा तो ये होता है लिमिटिंग नहीं नहीं। तो ये, ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और एंड टू एंड एनक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो कहते हैं व्हाट्सएप इज कम्पेटिवलीफर सेफर बिकॉज दे आर एंड टू एंड जो हम डालते हैं वो उसी जैसे मैं आ, अगर मैंने किसी को मैसेज डाला तो वो मैसेज उसी फॉर्म में इंग्लिश हिंदी में नहीं जाता वो वो वंस और वो एनक्रिप्ट होके चला जाता है और अदर साइड पे डिक्रिप्ट होता है अगर किसने बीच में एक्सेस कर भी लिया तो वो मैसेज नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो मैसेज वो सिंपल इंग्लिश हिंदी या किसी लैंग्वेज में है ही नहीं सिमिलरली अगर आप जो फाइल्स शेयर करेंगे आप उनपे पासवर्ड प्रोटेक्शन डाल देंगे पासवर्ड और वो फाइल बीच में अगर किसी के लग भी गई हाँ ड्यूरिंग द ट्रांसफर तो वो कोई कोई कुछ कर नहीं पाएगा सो so, ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है आई कंटिन्यू विद मोर अब सबसे इंपॉर्टेंट है ना अपनी ना स्टूडेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए लूज ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भेज दिया और उसको उसका उसके पास उसका जो ईमेल है उसके बच्चे भी एक्सेस कर रहे हैं हस्बैंड भी एक्सेस कर रहे हैं फोन कुछ उधर प्राइवेसी नहीं है तो बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन पूरी हर जगह फैल गई ओके सबसे सेकेंड इज प्रिवेसी सेटिंग्स तो आपकी जो प्रिवसी सेटिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए तभी मैंने बोला कि चाहे वो स्कूल का सिस्टम हो आईसीटी सिस्टम हो चाहे आपका सोशल मीडिया सेटिंग हो चाहे स्कूल की वेबसाइट सेटिंग हो चाहे स्कूल की कोई सोशल मीडिया सेटिंग हो इसमें प्राइवेसी सेटिंग सेट करने बड़े जरूरी है और हमें उसमें स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग सेट करनी अदर इज मैंने जैसे बोला था रजिस्ट्रेशन फॉर एप्स एप्स बहुत है लर्निंग एप्स बहुत है आजकल तो पानी पीने के लिए भी एप है हर चीज के लिए एप है हर कोई कहता है मेरा ऐप डाउनलोड करो है और बड़े फ्री ऐप है क्यों वो ऐप फ्री क्यों होते हैं

क्या होता है कि हमें तो ये ऐप चाहिए ऐप तो बोलेगा तो आप आप अपना होम एड्रेस भी डालो आप अपना पेरेंटल एड्रेस भी पेरेंटलो अपने इसका भी डालो लेकिन हर ऐप में ऐसे फॉर्म फिल करना होता है जहां जहां पर एस्ट्रिक होगा हमें वही डेटा डालना है वो इंपॉर्टेंट है लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट बनाते हैं और वो अपना पूरा डेटा भर देते हैं फेसबुक को सारे डेटा नहीं चाहिए वो उनका अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे

ओके okay. लेकिन हम एक्साइटमेंट में ये नहीं देखते और हम अपना सारा उसमें अपना डेटा देख देते हैं पासवर्ड्स आर नॉट सोशल पासवर्ड्स मत शेयर करिए किसी के साथ और फोटोज तो आपको पता है विद द यूज ऑफ एआई फोटोज कितनी मॉक होती है और फोटोज तो मत शेयर करिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी अगर फोटोज आपका स्कूल को अपलोड भी करनी है तो उसके भी तरीके हैं ये थोड़ी सी और स्ट्रेटजीज़ हैं कि फोटोज में जैसे अगर आपको बच्चों की एक्टिविटी दिखानी है बिकॉज यू सी सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल तो बच्चों के जो नाम मत डालिए, टैग मत कीजिए बच्चों को नाम मत डालिए और उनके जो फेसेस हैं वो ब्लर कीजिए और या फिर उनके लॉन्ग शॉट लीजिए या फिर उनके डिफरेंट पोज लीजिए एकदम वो बच्चा डांस कर रहा है उसकी आप फोटो ले लेंगे कल को वो फोटो मॉप हो जाएगी कोई यंग गर्ल है उसकी फोटो मिस यूज हो जाएगी तो फिर ये तो आ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्कूल की है ठीक है थर्ड पार्टी एप्स जैसे मैंने मैं बार बार एप्स का कह रही हूँ तो बिकॉज एप्स से स्कूल में बहुत प्रॉब्लम होती है एक टीचर बहुत खुश हो जाती है अरे मैं तो ये तो जोग्राफी का बहुत बढ़िया ऐप है इसमें तो बहुत अच्छा मैप्स है तो देखा आ, देखा नहीं कि वो कितने लोग यूज कर रहे हैं या क्या है या उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है उसमें सारा डेटा डाल दिया बच्चों ने भी सारा डेटा डाल दिया वो ऐप ने सबका डेटा कर डेटा कर लिया पर्सनल तो इसलिए एप्लीकेशन सोच समझ अवॉइड मिलीशियस लिंक्स लिंक्स ऑनलाइन लिंक्स होते हैं ये तो आपको अभी ये हमेशा आपको एडवाइजरी आती रहती है कि व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कुछ लिंक्स वगैरह हो तो उस लिंक्स पे मत क्लिक करो बिकॉज उसमें उस लिंक के अगर आप क्लिक करोगे तो उसका जो मेलिशियस प्रोग्राम द मॉलवेयर कैन गेट योर डिवाइस चाहे वो फोन है चाहे वो लैपटॉप है और वो एक वायरस होगा जो आपका सारा डेटा हैक करके ठाकर के पास भेज देगा या आपके फोन की मिररिंग हो जाएगी तो ये मेलिशियस लिंक को इनको मॉलवेर भी कहते हैं पे कभी क्लिक मत कीजिए एंटीवायरस अपडेटेड रखिए काफी स्क्रू से है सोचते हैं कि आ, क्या क्या करना एंटीवायरस का है आ, भाई आ, कुछ होता तो है नहीं है पर दीज एक्चुअली डिटेक्ट की अभी थ्रेट क्या है और उनके बेसिस पे होते हैं आप कोविड ने कोविड में सपने आ, लिया ना आपने लिया है और कि भाई अब देखो मेरे को देखो अगर मैंने फ्लू शॉट लिया होता तो शायद मेरी इतनी तबीयत ना खराब होती है ना? तो वैक्सीन तो हम खुद भी लेते हैं और कोविड में हमने लिया है तो हमारे सिस्टम को भी वही वैक्सीन चाहिए है ये तो वही हो गया कि वैक्सीन पांच सौ रुपए नहीं खर्च करने लेकिन पांच हजार रुपए हम हॉस्पिटल में दे देंगे तो अपडेटेड ओरिजिनल एंटीवायरस लीजिए सॉफ्टवेयर्स तो यूज ओरिजिनल दो रीजन होते हैं हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आपको ऑनेस्टी से काम करना चाहिए आपको किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए हम उनको फेयर यूज बताते हैं और कॉपी बताते हैं लेकिन पैसा बचाने के लिए कई बार स्कूल्स ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं लेते पायरेटेड सॉफ्टवेयर ले लेते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ मलिशियस वायरस आ सकता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकते तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है Uh, एक है वेबसाइट सिक्योरिटी uh, ये काफी स्कूल्स ने इश्यू भेजा है कि उनकी जो फेसबुक का पेज या सोशल मीडिया का पेज या वेबसाइट डी फेस हो गया डी फेस हो गया कि मतलब कोई उनकी uh, वेबसाइट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गया चला गया है और उसने उनके वेब पेज पे गलत 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 पोस्ट कर दिया है तो वेबसाइट सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी वेबसाइट है तो वेब मेंटेनेंस वाले जो आईटी uh, पर्सन है या कंप्यूटर टीचर है तो उसको बोलिए कि सतर्क रहे ये गूगल रिव्यू मैंने इसलिए डाला है कि मेरे पास कल फोन आया था दिल्ली के एक स्कूल से उन्होंने बोला कि हमारे गूगल रिव्यू पे बहुत गलत गलत, गलत रिव्यूज आ रहे हैं एंड दे आर नॉट इवन पेरेंट्स दे आर नॉट इवन कनेक्टेड टू स्कूल हमारे स्कूल को डीफेम किया जा रहा है थ्रू गूगल रिव्यूज तो पता चला कि वो किसी ने उनका जो आ, वो हैक कर दिया है और वो उस हैक करके दे हैव रीच रिव्यू ऑफ द स्कूल वो उस सेक्शन पे पहुंच गए हैं और उन्होंने उस स्कूल के बारे में बहुत डिफेम करा है तो द स्कूल हैज फाउंड आउट कि अच्छा ये इशू है उन्होंने अपना गूगल रिव्यू वाला लिंक बंद कर दिया है अभी और तो य, ये सब ये सब होती है स्कूल्स में इशूज uh, जो हमें वी है uh, पेरेंटल कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेरेंटल uh, कंट्रोल uh, का मतलब है अगर आपकी जैसे uh, कि आपका uh, लैब में छोटे बच्चे भी आते हैं तो और बड़े भी आते हैं तो आपकी कंप्यूटर टीचर को बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि वो प्रिवलेज वैसी दे कि भाई छोटे बच्चों को बड़े वाले बड़े बच्चों की तरह प्रिवेजेस ना मिले और उनके और जब वो छोटे बच्चे कुछ ऐसे डाउनलोड करने लगे तो कुछ सर्टेन वर्ड्स ऑप्सिन वर्ड्स और ये सब ना आए तो ये इनका नाम जनरली पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं नेट नैनी कहते हैं बट स्कूल्स भी इनको लेते हैं कि कल को इवन के स्टूडेंट्स हैं जैसे वो आए हैं उनको जी अब हमने दे दिया कि भाई आप रिसर्च करिए बिकॉज रिसर्च बेस्ड लर्निंग इज वी इनकरेज नाउ ना वी डोंट इनकरेज कॉपी कॉपी एंड पेस्ट लर्निंग Uh, so, सो उस, उसमें हमने उनको बोला कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च कीजिए अभी हर तरह का बच्चा है वो बच्चे ने बोला ठीक है मेरे को घर में टाइम नहीं मिलता ऐसी मस्ती के लिए उसने इन अप्रोप्रिएट चीजें सर्च करनी शुरू कर दी और वो डाउनलोड कर दी चाहे वो वीडियोस है चाहे वो फोटोज है चाहे वो इंफॉर्मेशन है तो अगर वो पेरेंटल कंट्रोल या नेट नैनी रहेगा तो उसमें अगर हम पर्टिकुलर साइट्स या वर्ड्स का डाल देंगे कि इनको बैन करना है तो वो डाउनलोड नहीं करेंगे और कुछ एक्सेस कुछ वेबसाइट्स का एक्सेस मत दीजिए जहाँ पर इन अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है और कंटेंट फिल्टर्स वही सेम लाइक पेरेंटल कंट्रोल कंटेंट भी कौन सा कंटेंट डाउनलोड हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता जैसे मैंने बोला था कि फेसेस ब्लर कीजिए नेम्स तो कभी नहीं कोई टैगिंग नहीं ये नहीं कि आदित्य uh, ने बहुत अच्छा डांस करा और उसकी फोटो लगा दी है कि आदित्य राठी डांसिंग और सो एंड सो डांसिंग और कल को तो उसका उसका सर्च uh, करके उसकी सारी पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन निकल सकती है तो बेसिकली हम जब हाइजीन की बात करते हैं हाइजीनिक uh, अपने रियल लाइफ में हाइजीन की बात करते हैं तो हमारी डिजिटल हैबिट्स भी हाइजीनिक होनी चाहिए ओके सो दीज आर वांटेड टू शेयर विद यू टाइम कम है uh, मैं नहीं तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह uh, देती बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम तो मैं आपको इसलिए क्विक टिप्स ही बता रही हूँ ठीक है अभी मैं देख रही हूँ मेरा टाइम हो गया है आलोक सर कभी भी बोलेंगे मैडम जल्दी करो <laughs> अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी सेफ्टी के लिए भी अपनी जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ रखिए हम उसको ऑन रखते हैं ठीक है जब ऊबर उबर बुक करना है तो फिर ऑन कर लो पर अपने क्योंकि क्या होगा कि अगर आप गूगल uh, के uh, इसमें जाएंगे ना गूगल मैप्स में और अपनी हिस्ट्री देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी कहाँ कहाँ क्या डेटा स्टोर है अभी जैसे ये आपने नोटिस करा होगा कि जैसे कभी आप किसी हॉस्पिटल को विजिट करते हैं ये मेरे साथ तो बहुत होता है हॉस्पिटल विजिट करते हैं हमारी जियो लोकेशन ऑन है वहां से पता चल जाता है अच्छा ये मैप्स में गई थी यू वॉन्ट बिलीव मैं हॉस्पिटल में होती ही हूँ अभी कि मुझे मैसेजेस आने शुरू करते हैं ये लैब इधर टेस्ट करो इधर ये सस्ता एम है कहीं और कहीं और कहीं और के क्योंकि वो क्यों आते हैं क्योंकि आपकी जो जोग्र... मेरी जोग्राफी की लोकेशन ऑन थी तो उससे वो डेटा मिल गया सबको कंट्रोल ऐप परमिशन मैंने आपको बता दिया है यूज स्ट्रॉन्ग अभी हम घर में ये थोड़ी करते हैं कि छोटा सा ताली लगा के चले गए हम अपने घर में ताला लगाते हैं मैंने बोला डबल लॉक करते हैं ग्रिल लॉक भी करते हैं तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कीजिए वही सिक्योरिटी अपने डिजिटल uh, लाइफ में अप्लाई कीजिए पब्लिक वाईफाई मत यूज कीजिए uh, अभी ट्रेन की वेट कर रहे हैं प्लेन की वेट कर रहे हैं तो अपना लगा दिया कि चलो भाई पब्लिक वाईफाई है यूज कर लिया मैं खूब सारा डाउनलोड कर लूंगी लेकिन पब्लिक वाईफाई बहुत वीक होता है और उधर वो बैठे होते हैं हैकर्स कि हम जैसे कोई आए जो बोले मैं पब्लिक वाईफाई यूज करके अपना टाइम पास कर लूंगी चाहे वो रेलवे स्टेशन है चाहे वो मॉल है कई लोग तो अब डेटा सस्ता हो गया जब डेटा थोड़ा महंगा था तो लोग मॉल बहुत सारे लोग मॉल दो चीजों के लिए जाते थे ए के लिए और वाईफाई के शॉपिंग के लिए कम जाते थे क्योंकि उनको वहाँ पे एसी मिलता था और उनको वाईफाई मिलता था तो ये सब अवॉइड कीजिए जूस जैकिंग है कि भाई अभी हमने अ, मेरा फोन चार्ज नहीं है मैं किसी भी यूएसबी पॉइंट पे डाल दू लेकिन यूएसबी पॉइंट से आपको पावर तो मिल जाएगी लेकिन आपका डेटा भी उधर उस यूएसबी में ट्रांसफर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट में अच्छा ऑनलाइन चैलेंजेस का बहुत शौक है आप पच्चीस साल बाद कैसे दिखोगे किस एक्ट्रेस एक्ट्रेस से आपकी रिजेम्बलेंस है आप साड़ी में कैसे लोगे ऐसे चैलेंजेस होते हैं ना उसमें क्या करते हैं लोग अपनी फोटो डाल देते हैं अरे वो फोटो तो वो पर्टिकुलर ऐप जो आपसे ले रहा है वो आपकी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट ले रहा है डेटा में भी सबसे इम्पोर्टेंट एसेट और वो फोटो को कब कभी भी मिस यूज हो जाएगी तो ऑनलाइन ये ये सब कहते हैं ना कि वो पंजाबी मतलब वेले वाले इस वाले काम जो करते हैं ना हम लोग कई बार बिना सोचे ये हमको बहुत महंगे बढ़ जाते और आप सब जाएंगे अपनी गूगल पे सोशल मीडिया पे अपनी स्कूल की प्रिवेसी सेटिंग्स चेक करेंगे पर्सनल प्रिवेसी सेटिंग्स चेक करेंगे बच्चों को बताएंगे कि जनरली बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज पब्लिक। हमको जाके उसको प्राइवेट या फ्रेंड्स पे रखना पड़ता है और एक और चीज ये रिसेंटली बहुत हुई थी ये हरियाणा में बहुत हुई थी कि बड़ी सारी ना पेन ड्राइव इधर उधर लोगों को मिली ओके तो अरे मैं तो पेन ड्राइव लेने वाली थी मुझे तो चाहिए थी क्योंकि पेन ड्राइव तो बहुत जल्दी खो जाती है तो पेन ड्राइव लेके लगा दी सिस्टम में उसमें था मॉलवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर और वो सिस्टम में ट्रांसफर हो गया और सिस्टम चाहे वो सिस्टम चाहे लैपटॉप था चाहे फोन था वो हैक हो गया तो यू हैव टू भी कहते हैं ना कि सतर्क रहे समझदार हो समझदार हो सतर्क हो ऑनलाइन में उतने ही चैलेंजेस हैं जितने हमारी निजी जिंदगी में है इन अ फेस टू फेस जिंदगी लेकिन अगर जो जो हम सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने स्कूल और स्टूडेंट्स को सेफ्टी सेफ्टी uh, uh, के लिए अप्लाई करते हैं इन फिजिकल उसी टाइप के उसी उसी थॉट प्रोसेस से आप ऑनलाइन भी कीजिए ओके okay? हाँ जी बस मेरा ये लास्ट है सर अवेयर uh, 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 करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं कंप्यूटर टीचर को बोलिए थोड़ी सतर्क रहे स्कूल काउंसिलर बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स को इंक्लूड कीजिए ये सारा स्कूल्स के हाथ में है और अगर हम सब मिलके काम करेंगे और हम मिलके ये सब करेंगे तो हम ये ऑनलाइन स्पेस को बहुत enabling, बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं और uh, कि भाई हमारे स्टूडेंट्स जिस स्पेस में होंगे तो उस स्पेस में वो uh, बहुत अच्छे से बहुत सेफली अपने आप को सीख सकें कंडक्ट कर सकें ये, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है तो दैट एंड्स माय सेशन एंड uh, आलोक सर uh, uh, ऐसे कर सकते हैं कि ग्रुप तो है क्योंकि अभी uh, इतना टाइम नहीं है क्वेश्चंस का तो ये लोग बाद में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप मुझे भेज सकते हैं मैं उनको रिप्लाई कर सकती हूँ ओके तो दिस एंड्स माय सेशन हियर थैंक यू वेरी मच ओके मैं स्टॉक शेयर करने की कोई हाँ हो गया मेरा हो गया हेलो